हाय गाइस, दिस इज साक्षी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाली मेकअप लुक। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ, इट्स अ वन ब्रांड मेकअप लुक मैंने क्रिएट की है NYBae के साथ। रिसेंटली मैंने NYBae के प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं कुछ, ये रहे सारे के सारे प्रोडक्ट्स। और ये मैंने सारे के सारे मंगवाए हैं पर्पल से। पर्पल पर ना हमेशा ही सेल चल रही होती है, तो जो अभी रीसेंट सेल चल रही थी ना, मैंने उसमें से मंगवाए हैं। सभी का परचेज लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट आपको कुछ पसंद आता है तो डेफिनेटली आप वहां से मंगवा सकते हैं और एक मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए अब जल्दी से मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड नाउ मूव ऑन टू वीडियो। एंड गाइज, पर्पल पल चल रही है आई हार्ट ब्यूटी सेल 7th February to 14th February, जिस पर आपको मिल जाएगा अप टू 50% ऑफ ऑन योर फेवरेट ब्रांड्स। और आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर मेंशन किया हुआ है, फॉर एडिशनल 10% ऑफ ऑन अबव ऑर्डर्स ₹699 फ्रॉम गुड वाइब्स NYBae एल्प्स गुडनेस स्टेक वर्की पर्पल डर्म डॉक वयम आयुर्वेदा एंड असफा हलाल। सो गाइज, मैंने अपना फेस प्रेप एंड प्राइम कर लिया है, ठीक है। हमेशा मेकअप से पहले अपने फेस को प्रेप एंड प्राइम जरूर करें, वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो इस बारी सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो अब से पहले मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया है, कलर करेक्टर्स को। तो इस बारी मैंने कलर करेक्टर्स मंगवाए हैं। दिस इज येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज। ऑरेंज का आप लोगों को पता होगा, डार्क एरिया जो होता है ना आपकी स्किन का, लाइक ये वाला पार्ट जो होता है, समटाइम्स ना माउथ के अराउंड भी डार्कनेस हो जाती है, तो आप उसमें ना पहले ऑरेंज कलर करेक्टर यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज ग्रीन। ग्रीन ना आपको जहां पर डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम होती है, काफी ज्यादा डार्क स्पॉट हो जाते हैं, लाइक मेरे को यहाँ पर एक्ने पिट्स हैं या फिर आपको एक्ने हैं, तो उसके ऊपर आप ग्रीन लगा सकते हो। एंड दिस लास्ट वन इज येलो। येलो वाला ना आपको फेस को थोड़ा सा हाईलाइट करने के काम आता है, जहां पर आपकी अनइवन स्किन टोन हो गई है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपका एरिया जो है वो डल है, तो ये उनको करेक्ट करने के काम आता है। तो ये तीनों के तीनों आज मैं यूज करने वाली हूँ। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये मैट फिनिश देते हैं, लाइट वेट है और क्विकली एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं आपके स्किन में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑरेंज वन। तो लाइक आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर ना मेरे को आइज के आसपास सबके ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती ही है, तो मैं इसको ऑरेंज वाले को लगा लूंगी। माउथ के अराउंड मेरे एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि डार्कनेस वगैरह की, तो अभी पहले मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से। नाउ यू कैन सी रिजल्ट। और जब आप फाउंडेशन लगा लेते हो ना, तो फाउंडेशन लगाने के बाद इसका जो रिजल्ट आता है और भी ज्यादा अच्छा आता है। सो गाइस, द सेकंड वन इज NYBae प्रो प्राइमर ग्रीन कलर करेक्टर। फेस प्राइमर है ये, ठीक है। अब मैं इसको लगा रही हूँ जहां पर मेरे को एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर एक्ने स्पॉट डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, लाइक यहाँ पर मेरे को थोड़े से एक्ने पिट है, तो मैं इसको यहाँ पर लगा लूंगी थोड़ा थोड़ा। मैंने आपको बताया काफी लाइट वेट है, लिक्विड ही है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जहां जहां पर मेरे को थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट्स है ना, मैं इसको वहां पर लगा रही हूँ और अच्छे से ना ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी फिंगर की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज दिस येलो वन। अब मैं इसको वहां लगाऊंगी जहां मेरे को थोड़ी सी रिंकल, मेरे को लगता है कि या तो यहाँ पर फाइन लाइन्स आ गई हैं, रिंकल्स आ गए हैं, या फिर मैं अपना फेस हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको उस वाले पार्ट पर लगा लूंगी, नोज यहाँ पर। तो गाइज, मेकअप में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लेंडिंग, ठीक है, एंड आपका बेस कैसा बनता है ये। सो गाइज, अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर मंगवाए हैं NYBae के ड्यूई ड्रॉप्स लिक्विड फाउंडेशन। एंड माय शेड इज, एक्चुअली मैंने दो शेड्स मंगवा लिए हैं, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स ना ऑनलाइन हमें पता नहीं चलता है कि हमारा एग्जैक्ट शेड है क्या। सो माई फर्स्ट शेड इज फ्लैट वाइट 1 एंड माई सेकेंड शेड इज एस्प्रेसो 7। ये दोनों मेरे शेड्स हैं एंड यू कैन सी कि ये इसकी बॉटल है, और दोनों के कलर में ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आप अपने कलर चॉइस के अकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं, लाइक आपका जो फेस का कलर है उसके अकॉर्डिंग आप मंगवा सकते हैं। तो ट्राई करते हैं पहले ये वाला। नो, आई थिंक दिस इज परफेक्ट शेड फॉर माई स्किन टोन। स्टिल मैं आपको सेकेंड वाला भी दिखा देती हूँ। एंड दिस इज सेकेंड। नाउ यू कैन सी कि ये थोड़ा सा डार्क है। फाउंडेशन ना हम जब भी परचेज करते हैं तो आपको देखना होता है कि आपके स्किन टोन से एक शेड लाइटर हो, और जो कंसीलर आप यूज करते हैं वो आपके स्किन टोन से दो शेड लाइटर हो। तो आई थिंक ये वाला परफेक्टली जा रहा है, ये थोड़ा सा डार्क है, ये मेरा स्किन टोन नहीं है, तो मैं आज यूज कर रही हूँ ये वाला। एंड दिस इज 1 फ्लैट वाइट, शेड है 1 फ्लैट वाइट।
सी दिस इज परफेक्ट शेड फॉर माई स्किन टोन, बहुत ही अच्छे से कंसील कर दिया। ये देखो मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया था और यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर करेक्टर लगाया था, तो बहुत अच्छे से इसने कवर कर दिया है, बहुत अच्छे से इसने कवर कर दिया है मेरे डार्क सर्कल्स को और मेरे एक्ने पिट्स को। तो गाइज आई थिंक इसने ना थोड़ी डुई फिनिश दी है एंड दिस इज फुल कवरेज, इजीली ब्लेंडेबल है, बहुत इजीली ब्लेंड हो गया, आप लोगों ने देख लिया होगा। काफ़ी मेरे को लाइट वेट सा भी फील हो रहा है। ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन पसंद आया, मैंने अब से पहले एन वाई बी का यूज़ नहीं किया था, बट येस दिस इज रियली नाइस। एंड गाइज दिस इज वाटर रेसिस्टेंट, ट्रांसफर रेसिस्टेंट एंड दिस इज लॉन्ग लास्टिंग, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है ये डुई फिनिश ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। एंड गाइज नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ यहाँ पर अपना आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने ये दो आई शेडो पैलेट मंगवाए हैं, दिस इज एन वाई बे आई लव आई शेडो पैलेट और ये दो है, एंड दिस पैलेट इज मिड नाइट मैजिक एंड दिस पैलेट इज पैपी पिंक्स। सी पीछे इनके शेड लिखे हुए हैं, आपको जो पसंद आता है आप वो मंगवा सकते हैं। दोनों के दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, दिस इज मिड नाइट मैजिक तो नाइट मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और दिस इज पैपी पिंक। देख लो आप पिंक के कितने सारे शेड्स इसमें अवेलेबल हैं, इसलिए आज मैंने पिंक कलर की ड्रेस चूज की है। तो आज मैं ये वाला और ये वाला आई शेडो पैलेट भी यूज करने वाली हूँ। ये कैसे करूंगी वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस। अभी मेरी जो ये ड्रेस है ये मजेंटा पिंक कलर की है। पहले मैं अपनी आईज का बेस बना लेती हूँ। आई थिंक ये वाला कलर एकदम परफेक्ट जाएगा। तो गाइज अभी एज यू कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है और ये क्रीज रेजिस्टेंट है। ऑल्सो ये 9 in 1 पैलेट के साथ आता है, देख ही लिया होगा आपने कि ये 9 in 1 पैलेट है, एक ही पैलेट में आपको 9 शेड्स अवेलेबल हो रहे हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। सो एक आईज पर मैंने लगा लिया है, नाउ सेकेंड की बारी है। तो मैंने अभी बेस बना लिया है, अब मैं ये वाला ग्लिटर वाला कलर पिक करके अपने ना यहाँ वाले पार्ट पर लगा लूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना चंकी सा चाहिए। वाओ दिस इज रियली नाइस, बहुत इजीली प्लेस भी हो गया ये, मैं फिंगर की हेल्प से ही लगा रही हूँ। मैंने ब्रश और फिंगर दोनों को ट्राई कर लिया है, तो दोनों में ही बहुत ही अच्छा इसका शेड आया है। तो ये वाला आई शेडो पैलेट तो हमने यूज़ कर लिया आईज के लिए, ठीक है। नाउ बारी आती है इस वाले की, मैंने दोनों मंगवाए हैं तो मैं दोनों यूज़ करके दिखाऊंगी ना आप लोगों को कि आई शेडो को आप और किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये फ्लैट एंगल्ड ब्रश, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये ब्राउन वाला कलर, इसको मैं कर रही हूँ पैक। ब्राउन या फिर ब्लैक आप दोनों ले सकते हैं, बट दिस इज़ रियली हेल पिगमेंटेड। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, दिस ब्लैक, दिस ब्लू एंड दिस ब्राउन वन, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ये। एक और ये वाला ग्रीन भी ले लेते हैं, अभी मैं आप लोगों को इनकी पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ। सी तो देखा आपने ये कितने ज़्यादा पिगमेंटेड है ये डार्क वाला ब्राउन। इससे मैं करूँगी अपनी आईब्रोज फिल। ओह दिस इज रियली पिगमेंटेड। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो मैं अभी सेकेंड वाली भी फिल कर लूँगी। सो गाइज नेक्स्ट मैंने मंगवाए हैं ये दो आईलाइनर, एन वाई बे ट्रूली मैट लिक्विड आईलाइनर। एन वाई बे के आईलाइनर मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ और आई लव दिस आईलाइनर। एक तो ये मैट होते हैं, ठीक है, क्विकली ड्राई हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्विकली ड्राई हो जाते हैं, और मैंने इस बारी दो मंगवाए हैं। शेड है 1 बोल्ड ब्लैक एंड सेकेंड इज 4 एजी एमरल्ड। दिस वन इज ब्लैक एंड दिस वन इज ग्रीन। ग्रीन आपने मेरे को कभी लगाए हुए नहीं देखा होगा, तो मैंने ग्रीन भी मंगाया है ताकि मैं ट्राई आउट कर सकूं। सो एक तो मैंने ऑलरेडी लगा लिया है और सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ पिगमेंटेशन, हाईली पिगमेंटेड है, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। सो दिस इज ब्लैक सी एंड यू कैन सी इट्स वॉन्ड, काफ़ी ज़्यादा थिन है, आप मोटा भी लगा सकते हैं और आप इस तरह से स्लीक सा भी लगा सकते हैं। एंड दिस इज एमरल्ड ग्रीन। अब मैं आपको इसका शेड भी दिखा देती हूँ, सी दिस इज एमरल्ड ग्रीन। तो अगेन ये आप थिक लगा सकते हैं एंड दिस इज थिन पार्ट।
सो गाइज यहाँ पर मैं ले रही हूँ आई शेडो पैलेट में से ना दिस ब्लैक वाला कलर, और मैं इसको अपनी लोअर लैश लाइन के बाहर वाली साइड लगाऊंगी, ठीक है। सो अब बारी आती है काजल की। काजल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एन बाय बी का लॉन्ग आईलैंड वाटर रेसिस्टेंट स्मच प्रूफ काजल, डीपली इंटेंस है और कोल आई काजल है ये, ठीक है, कोल आई पेंसिल है। एंड दिस शेड इज वाइट, मैंने फर्स्ट टाइम वाइट में कुछ मंगाया है, सो मुझे वाइट ट्राई करना था क्योंकि, तो वाइट ट्राई करते हैं आज। एंड नाउ यू कैन सी कि ये पेंसिल है, थोड़ी सी ग्लिटरी सी पेंसिल है वाइट में, ये देखो, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, एकदम चंकी चंकी सी आईज मेरे को आज अपनी लगने वाली है। इसको अप्लाई कर लेते हैं। ओह रियली नाइस। अच्छा आप लोगों को पता ही होगा कि वाइट काजल लगाने से ना आपकी आईज जो है वो बिग लगती हैं। एंड गाइज नेक्स्ट मैंने मंगवाए हैं ये दो हाइलाइटर, एन वाई बे के शाइन एंड शिमर हाइलाइटर, एंड माई शेड इज एक है टू ग्लो गोल्ड एंड सेकेंड है थ्री रस्टिक रोज गोल्ड। सी ये इनकी पैकेजिंग है और ये कुछ अंदर से दिखते हैं। अब जो ये वाला है ना आप इसको एज अ ब्रोंजर भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये लिटिल बिट ब्राउन टोन में आ रहा है। सी आप इसको एज अ ब्रोंजर भी यूज कर सकते हो कि आप किस तरह से इससे ब्रोंजिंग कर सकते हो। सी काफी हल्की हल्की सी इससे ब्रोंजिंग होगी और जिनका फॉरहेड थोड़ा सा बड़ा होता है ना वो तो इससे बहुत अच्छे से कर सकते हैं ब्रॉन्जिंग। ब्रॉन्जिंग करने से आपका जो फॉरहेड होता है और जो फेस के जो कट होते हैं ना वो बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं। सो अभी मैं इनको ब्लेंड कर लूंगी। सो नाउ बारी आती है ब्लश की। ब्लश के लिए भी मैंने यहाँ पर दो ब्लश मंगवाए हैं, एन वाई बे के स्काईलाइन सनसेट ब्लश, बट दोनों के शेड अलग हैं तो मैं शेड बता देती हूँ। सो वन इज डस्की मॉव वन एंड सेकेंड इज सन डाउन रेड सेवन। सो दिस इज पैकेजिंग, आप देख सकते हो छोटे छोटे से पैकेजिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली होती है। सारे के सारे जो भी मैंने आपको दिखाए ना तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली हैं। इस तरह की पैकेजिंग में आएंगे, ऊपर आपको ये इस तरह की शीट मिल जाएगी। एंड दिस इज वाओ, दिस इज वाओ, हेल पिगमेंटेड एंड शेड इज ओ माई गॉड, लुक एट द शेड, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, एकदम रोजी रोजी सा शेड है इसका, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड दिस इज थोड़ा सा लाइट वाला पिंक, नाइस ना, बोथ आर नाइस। तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये डार्क वाला, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। डार्क वैसे मैं बहुत कम लगाती हूँ बट स्टिल आज मैं ये डार्क वाला यूज़ करने वाली हूँ। और आ, 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 ले लेते हैं थोड़ा सा, एक्सेस को रिमूव कर देंगे हमेशा, एंड स्माइल एंड अप्लाई। ओह दिस इज रियली नाइस। कर रही हूँ हाइलाइटिंग के लिए। सो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पिगमेंटेशन। ओह दिस इज रियली नाइस यार, कितना अच्छा सा ग्लो कर रहा है ना, गोल्डन सा। फटाफट से कर लेते हैं हाइलाइट। नाइस यार, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत पसंद आ रहा है मुझे। अब से ना मैं यही वाला हाइलाइटर यूज करने वाली हूँ, ब्रिज ऑफ द नोज पर, फॉरहेड, चिन, एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन योर क्यूपिड बोस अगर आप करना चाहते हो तो। मैं बहुत कम करती हूँ बट बहुत अच्छे से हाईलाइट किया इसने। एंड लास्ट में आई हैव दिस थ्री लिपस्टिक, ये तीन लिपस्टिक है मेरे पास, एन वाई बे की कन्फेशंस ऑफ अ लिपहोलिक प्राइमर प्लस मैट लिक्विड लिपस्टिक। मैं ये पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे इनके शेड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे से ना इनका जो पिगमेंट है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तीनों के तीनों कलर आप लोगों को दिखा देती हूँ। फर्स्ट इज वेट, दिस इज स्नगल सीक्रेट्स 15, और मेरा पूरा का पूरा हाथ आज इसी से स्वॉचेस से भरने वाला है। सी
बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, बट ये थोड़ा सा ब्राउन में है ऑन माई शे, और आज जो मेरी ड्रेस का कलर है वो थोड़ा सा ना पिंकिश है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा पिंकिश है। एंड दिस इज स्नोफ्लेक किसेस 8। ये और भी ज़्यादा डार्क है बट आई थिंक ये बहुत अच्छे से जाएगा मेरी ड्रेस पर, बट मेरे को डार्क नहीं लगाना है, मेरा मन नहीं है डार्क लगाने का। एंड लास्ट वन इज लेडीज नाइट 6। सो आई थिंक ये वाला मेरे ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से जाने वाला है। सी है ना, हाँ ये न्यूड भी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है यार, देखो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो लेट्स अप्लाई दिस वन, दिस इज लेडीज नाइट 6। नाइस, अच्छा शेड है। एंड गाइज दिस इज माई फाइनल लुक, आप देख सकते हो कि कंप्लीट फाइनल लुक कैसी आई है, काफ़ी डूई सी फिनिशिंग आई है। और ये जो व्हाइट काजल मैंने लगाया है इससे मेरी आँख जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सी लग रही है, काफ़ी बड़ी सी लग रही है, एकदम जो मेरे फेस का आउटलुक होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो मैंने आज कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की है क्योंकि व्हाइट काजल मैंने अब से पहले कभी नहीं लगाया था। एंड दिस इज न्यूड लिपस्टिक के साथ वाली लुक, एंड दिस इज एकदम हार्ड सा हॉट सा जो कलर होता है ना वो वाले लुक। दोनों लिपस्टिक का मैंने आप लोगों को शेड भी दिखा दिया है, तो मेरे को दोनों लिपस्टिक ये वाली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इवन जो कंप्लीट प्रोडक्ट है ना सारे के सारे NYB के मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। ये मेरी कंप्लीट लुक निकल कर आई है, वन ब्रांड मेकअप लुक NYB के साथ। सभी का परचेज लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो वहां से जाकर डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें। एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय गाइज।